मैं जानती थी ना आने की धमकी देने के बाद आप जरूर आएंगे। आप तशरीफ ले जाइए, मैं आराम करना चाहती हूँ। उस धमकी का जुर्माना अदा करने दो, चला जाऊंगा। कैसा जुर्माना? ये नेकलेस लाया हूँ तुम्हारी मरमरी गर्दन के लिए। रहने दीजिए बेनी बाबू, रहने दीजिए, आप फिर से ताना देंगे। तुम पर अपनी दौलत लुटा रहा हूँ। अरे तुम पर तो मैं अपनी जान तक लुटा सकता हूँ जाने मन, वादा करता हूँ कि ताने नहीं दूंगा। अपने हाथों से हार मुझे पहनाने दो। ठीक है, पहना दीजिए। एक और तोहफा लाया हूं मैं तुम्हारे। वो क्या? आंखें बंद करो। आप हद से गुजर रहे हैं बेनी बाबू। दौड़ दो ये सब हदें, क्यों बांध रखा है अपने आप को भले घर की बंदिशों में। तुमने कोठे पर जन्म लिया है लैला जान, जहां माए आधी रात को अपनी बेटियों के कमरे में पराए मर्दों को जाने देती हैं। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं, और तुम्हारी मां तुम्हारे जिस्म का सौदा मुझसे करने के लिए तैयार है। मैं कोठे की संतान हूं, इसीलिए अपना संगीत बेचती हूं, नृत्य बेचती हूं, अदाएं बेचती हूं। मगर माफ कीजिए बेनी बाबू, मेरा जिस्म बिकाऊ नहीं है। तशरीफ ले जाइए। उंगलियों में कहीं चोट तो नहीं आ गई आपकी? बदमाश, तुम्हारी ये जुर्रत? बेनी बाबू ने भी तो आपको चुमा था, उन्हें तो आपने थप्पड़ नहीं मारा। वो इस शहर के माने हुए रईस है, और मेरा पेशा है दिल रुबाई। जो लोग मुझ पर दौलत न्योछावर करते हैं उन्हें अपने पेशे की खातिर मैं थोड़ी बहुत छूट दे देती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जैसा 2% का नौकर भी मुझसे बदतमीजी करने लगे। इश्क में हम जैसे गरीबों का दिल बेकरार हो जाए तो बदतमीजी है, अमीरों का हो तो जायज है आपकी नजरों में? हाँ, कोई है? मेरी बात सुनी लाला जान, मेरी मोहब्बत को रुपयों में मत तोलिए, हो सके तो परख के देखिए मुझे। जो दर्जा मैं आपको दे सकता हूँ दूसरा कोई नहीं देगा। बकवास बंद करो अपनी, तुम मुझे क्या दे सकते हो? समाज में सम्मान। अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा मैं आपको, पूछ कर देखिए अपने उन आशिकों से, उनमें से कोई शादी करेगा आपसे, अपनी पत्नी बनाएगा आपको? नहीं बनना है मुझे किसी की पत्नी, मुझे कई लोगों के दिलों की महबूबा बनके जीना है। पत्नी, देख चुकी मैं पत्नी का दर्जा क्या होता है, पति के पैरों की जूती होती है वो। उसे छोड़कर लोग यहाँ चले आते हैं मेरे पास, मेरे तलवे चाटने के लिए, मेरे नाज उठाने के लिए। मुझे नहीं बनना है किसी के चरणों की दासी। और फिर तुम्हारी औकात? औकात बदल भी तो सकती है। बड़ा नाज है आपको अपने हुस्न पर, अब तो लगता है कि आपका नाज तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अरे चाचा, बड़ा आया नाज तोड़ने वाला, नौकरी से तेरी छुट्टी, जा मुंह काला कर, निकल जा यहाँ से। देखो नाक बीच में आ जाएगी। अब मामला फिट हो गया, जरा हुआ देखो तो। ये क्या है? तुमने तो मुझे नौटंकी की नटनी बना दिया। देखो टाइम बहुत कम रह गया, हमको गजल तैयार करनी है। तुम एक काम करो, कुछ करो हमारे साथ, हमरे ऊपर गिर जाओ। नहीं नहीं, तुम नहीं करो, बहुत वजन है, हमरे ऊपर बिजलियां गिराओ। सठिया गए हो क्या? तुम पर बिजली गिरी तो मेरा घर नहीं जलेगा।
अरे घटाओं की बिजली नहीं फूलन देवी, मतलब मन की देवी, अदाओं की बिजली। हियाँ जब 4440 वोल्ट का करंट लगेगा तो हियाँ से गजल निकलेगी। चलो जरा नखरा दिखाना तो। कैसे? मधुर मुस्कान से, नैनों के बांध से और इढ़लाती चाल से। अरे का भैंस की तरह खड़ी फुन फनाए रही हो, हिरनी की तरह इठलाए कि चलो। लैला चलती हूँ। अच्छा। चलती हूँ। ओ डीजल इंजन वापिस हो, एक्सीडेंट करने जा रही हूँ का? नहीं। अरे जरा नजाकत से फूल की भांति लहराए कि चलो। अच्छा हुई गवा उत्पादन, फुदक फुदक तू चाल चले, नाम तेरा हिरनी कोमल, ठुमक ठुमक खूल है ठुमके, हम देख रहे हैं आंखें मलमल, दां तेरे भुट्टे दाने, दिल छेद रहे हैं नैना चंचल, ये रूप तेरा भारी भरकम, हम प्यार करेंगे लड़े दंगल। सेठ जी है? अरे काहे को मतान आवाज में बात करती हो यार? मैं नहीं। हाँ? कोई आया है। अरे काहे को मजा खराब करा, कौन है बे? कौन है भाई? पहचाना नहीं सेठ जी आपने? नहीं तो। मैं हूँ प्रेमी, अपनी लैला जान के कोठे पर। ये क्या करता है बे? हमरी मोटी लैला जान ने अगर सुन लिया तो हमको सीधे कब्रिस्तान पहुंचा देगी। पिटवा काका। क्यों जी, इसका मुंह क्यों दबोचे हो? नहीं हम यहाँ जरा खुशबू लगाए कि इसको सुंगा रहे थे ना। नहीं तो। हाँ। नहीं, नहीं, ये किसी कोठे का जिक्र कर रहा था। कोठा? अरे नहीं नानी जी, माफ करना रानी। हाँ। कोठा नहीं, कोठी। कोठी तुम ठीक को ठा समझ रही थी, जरा कान साफ करा लो, ठीक नहीं है। नहीं नहीं लैला जान भी कहा था। नहीं वो नहीं कहा था। हाँ कहा था। वो प्रेमी भी कहा था, मैंने सुना होगा आपने। सुना मैंने, तुमने कहा तुम प्रेमी हो। हाँ मैं प्रेमी हूँ, इसीलिए मेरी कोठी का नाम लैला जान है। कहाँ है वो? अपना यहाँ से नजदीक में बहुत दूर एक इलाका है, अरमान रोड प्रेम नगर चाहत बिल्डिंग। हाँ मैं जाऊंगी वहाँ तहकीकात करने। जाओ मगर वहाँ बहुत बड़ा खड्डा है, घर से गिर जाओगी तो क्रेन भी नहीं उठा सकेगा। ठीक है तहकीकात करूंगी, और बात गलत निकली तो तुम्हारी खैर नहीं पतिदेव। हाँ देड़ जी, ये सेठानी मेकअप बहुत करती हैं। ये मेकअप है? आज ये पोता था बड़ी मुश्किल से मस्का पॉलिश लगाए के, जरा हम जरा मामला फिट करने जा रहे थे तो तुम आगे भाग देने से टपक पड़े। वैसे पोतने के बाद आप क्या मामला फिट करने वाले थे? गजल उत्पादन का एक दिन रफरफाई किया। अभी लैला जान कह रही थी कि बिना गजल के हम राजगढ़ नहीं जाएंगे तो हमारा तो मुंह काला हो जाता, हम ठाकुर दा को कौन सा चौकटा दिखाते? अरे यही चौकटा दिखाएंगे और बड़ी शान से दिखाएंगे। क्या ये लीजिए, एक फड़फड़ाती हुई गजल। गजल? ये तुम्हें कहां से मिली? आप ही के लेटर बॉक्स है। हमारे लेटर बॉक्स में? ये हमारे लेटर बॉक्स में रोज गजल कहां से आ जाती है? बस आ जाती है। इसकी लिखाई भी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले गजल की थी। या कैसे? बस आप इसे अपने लेटर बॉक्स का चमत्कार समझ लीजिए। तुम हमको का उल्लू का पट्टा समझते हो का? नहीं सर जी, भला मेरी ये कैसे मजाल हो सकती है कि मैं आपको उल्लू का पट्टा समझूं? अरे झंझोटिया सेठ सारी दुनिया को चूना लगा दे, तुम हमको चूना लगा रहा है का? हैं? पहली गजल भी तुम लाया था ना, ये भी तुम लाया है, कर्नाटक बलप सेठ जी। अरे बोला सर का झुका खड़ा है। अगर आप उसे वादा करें कि आप लैला जान को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। चलो वादा, पक्का वादा।